भाजपा और सपा के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में उन्नति विधान घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं को लेकर शांति विधान और युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की आज पंजाब में दूसरी वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। उन्हें जलंधर और कपूरथला और भटिंडा के वोटरों को संबोधित करना था, हालांकि अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है। अब नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब आएंगे। वह जलंधर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे, जिसके जरिए वह सीधे पंजाबियों से रूबरू होंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में शराब बेचने की अनुमति देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। अन्ना ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर भी लिखा है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ सका है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई हुई, जिसमें इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। इससे पहले राज्य सरकार सभी स्कूल कॉलेजों को 3 दिन तक बंद रखने का आदेश दे चुकी है। फ्यूचर रिटेल और अमेजन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। फ्यूचर के खिलाफ मध्यस्थता मामले पर रोक के खिलाफ अमेजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। फ्यूचर अमेजन विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में एक्टिव केस की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नए केस 70,000 के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 71,365 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,72,211 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 1,230 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 40 करोड़ 11 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 97 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.24 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद में पाकिस्तान सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की भी एंट्री हो गई है। मलाला ने सोशल मीडिया के जरिए विवाद को भयावह बताया और भारतीय नेताओं से अपील की है कि वो भारतीय मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके। देश के सराफा बाजार में सोने का भाव में हफ्ते के तीसरे दिन कीमतों में तेजी देखने को मिली। बुलियन मार्केट में सोने का भाव 48,691 रुपए के ऊपर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी में 845 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोना आज 247 रुपए चढ़कर 48,691 रुपए पर कारोबार 62,463 रुपए पर खुली। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 657 पॉइंट चढ़कर 58,465 पर बंद हुआ। मारुति का शेयर आज 4% ज्यादा बढ़ा। कल डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ अडानी विल्मर का शेयर आज 20% ऊपर रहा।